नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत के 28 राज याद करने का जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। बसरते आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बहुत ही मजेदार है दोस्तों। और आगे चल के मैं देश विदेश सारी चीज पे लाऊंगा ट्रिक के साथ। देखिए यहां पे पहला ट्रिक, देखिए आपको दो पंक्ति आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। सर ये पंक्ति का मतलब क्या है दोस्तों? ये पंक्ति का पहले मैं परिचय दे देता हूं। ये पंक्ति आपको रामायण के चौपाई है, ठीक है, रामायण का चौपाई है दोस्तों। और इसमें दोस्तों इस चौपाई में 2800 राज्य मिल जाएगा और एक 29 राज्य जिसमें 29 नंबर में आता है जम्मू एंड कश्मीर, जिसको अब केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को इसको राज्य का दर्जा हटा दिया गया था। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ कहता है राम नाम जपते अत्री मत गुसियाओ, पंक में उगो हमी अही के छवि झाओ। तो यही है ट्रिक दोस्तों। अब देखिए, अब इसके प्रत्येक वर्ड से हम 2800 राज्य को कैसे निकालते हैं, बस आपको ये याद करना। और ये याद क्या करना है दोस्तों, राम नाम जपते अति मत गुसिया हो, पंक में उगो हमी अही के छवि जाओ। ये तो ऐसे ही याद होगा, 3 से 4 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। अब कोई कोई कहता है 2800 राज्य बोलने में हिचकिचा जाता है, अब उसको याद नहीं रहता। मान लीजिए 27 को बोला है वो भुला जाता है, 25 को बोला और बाकी भुला जाता है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। आप देखो यहां से आप लोग कर सकते हो कैसे, राम में आ जाते हैं तो राम में दो वर्ड लो, रा से राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, और म में हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। अब इसमें नाम में आते हैं दोस्तों, तो यहां पे नाम में क्या हो जाएगा, ना है यानी कि नागालैंड लिख सकते हैं, और फिर इसमें म भी है तो इसमें लिखेंगे क्या, मणिपुर भी लिख सकते हैं। अब आते हैं जपते में, ठीक है, अब जपते में आ गए दोस्तों। ज से क्या है हमारा, ठीक है, ज से हमारा क्या हो जाएगा, तो ज से हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया ज से, तो ज से कौन सा लिख सकते हैं, जम्मू, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो याद करना ये क्या हो गया, 5 अगस्त 2019 को इसको राज्य दर्जा खत्म कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग याद रखना, राज्य दर्जा क्या हुआ, खत्म हो गया है। अब ते में देखिए, प में आते हैं, प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और ते से हो जाएगा तेलंगाना, ये हो गया हमारा ते, जपते तक पहुंच गए। अब इधर आ जाते हैं अत्री में, अ से क्या हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्या हो जाएगा, अ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश या असम, सिंपल दोस्तों असम कर देते हैं, असम भी होगा। त्री से क्या लिख देते हैं, त्रिपुरा, यहां पर से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। अब आते हैं अति हो गया मत, अब मत में कौन कौन सा है यहाँ पे, तो मत में देख लेते हैं, तो सबसे पहले म आता है, तो म में क्या हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश, याद कर लीजिए, सबको नोट कर लीजिए एक जगह। और त से क्या हो जाएगा, मत, त से आपका क्या होगा यहाँ पे, त से कौन सा राज्य होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु भी होता है, तमिलनाडु, ठीक है, मत तक पहुंच गए। गुसियाओ, अब देखो गु से क्या हो जाएगा हमारा, गुजरात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुजरात। सी से हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। अब आ से हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, लिख सकते हो आ है तो आंध्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और देखो उ से क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिख सकते हो उत्तर प्रदेश। तो चलिए ये तो हो गया ये वाला लाइन के लिए, अब ये वाला लाइन पे चलते हैं, ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूं। देखो अभी पूरा ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा। अब कितना राज्य हुआ, गिन लेना कितना हो गया। अब इसमें पन से पंजाब हो जाएगा, देखना पंजाब, फिर उसके बाद क से कौन सा राज्य होता है, तो यहां पे देखना क से आपको पता है कर्नाटक होता है, कर्नाटक, ठीक है। अब आता है यहां पे मे में कौन सा राज्य होता है भैया, मेघालय। जबरदस्त ट्रिक है ना, जबरदस्त ट्रिक है, तो लाइक और शेयर करोगे। यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस लाइन पे, ऊ है,
उससे आप लोगों को पता होना चाहिए उससे कौन सा राज्य एक और होता है। तो उत्तर प्रदेश तो हो गया, उत्तराखंड लिख सकते हो या उड़ीसा लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। तो मैं उत्तराखंड लिख देता हूँ, उत्तराखंड। अब गो आता है, गो से आप लोग जानते हो गोवा वाला बीच, याद है ना गोवा, ठीक है गोवा हो जाएगा। ह से आप लोग जानते हो हरियाणा, हरियाणा। और यहाँ पे हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। मी से क्या हम लोग जानते हैं, मिजोरम। अब यहाँ पे आ जाते अही, अब अही में आ जाते हैं दोस्तों। अही में क्या होगा, अही के पूरा लिख देता हूं, छा, ठीक है झा। और लिखते हैं, और लिखते थोड़ा सा डार्क मार्कर यूज करते हैं, ठीक है हाँ झा हो गया। और फिर ऊ बचेगा, अब देखिए कैसे चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखना, अही से आप लोग जानते हो, अ से एक और वर्ड होता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। सभी जितना बता रहा हूं ना दोस्तों सब राज्य है। अही से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, याद है ना। अब के से केरल, केरल का राजधानी क्या होता है, तिरुवनंतपुरम। छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अब वी से अपना बिहार, झ से अपना झारखंड, ऊ से उड़ीसा। देखें पूरा 2800 राज्य आपको याद हो गया दोस्तों, कितना कोई दिक्कत, सब इसी में है। 28 एक एक्स्ट्रा है, केंद्र शासित प्रदेश है वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को बस ये वाला चौपाई एक बार मेरे साथ फिर से आप लोग दोहरा दीजिए, राम नाम जपते अत्रि मत घुसियाओ, पंख में उगो हमी अही के छवि झाओ। तो इससे पूरा राज्य आपको 2800 राज्य क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको और भी चीज पे चाहिए, जैसे कि इसका राज्य मैंने ट्रिक बना दिया, राजधानी पे भी ट्रिक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, देश पे भी ट्रिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अभी तक से लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ट्रिक तो इतना जबरदस्त बताया यार।